स्टोरीटेलर लंदन एडवा डेली पोस्ट। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मंता प्रलोक नवराज पी को खबर पेनपाव इमरान खान बालई क्लाटनो के जिंगते पाकिस्तान बट इंडिया तोंग ने सगा उ प्राइम मिनिस्टर जोंगा पाकिस्तान बारे मु इमरान खान उलापन पाव बालई उत्रे या कजिंगते बक इंडिया उतकरण हक सरकार बयलाम दो प्राइम मिनिस्टर मोदी उ कदाव या कजिंग पंडो या का आर्टिकल लाइस पा न्यू पो कुम कदाव उ खरवेत या का अमेरिका पन पाव कुम नो का पलोंग इकिरी बंदम्स ए महमद जोंका। मैं कभी किसी बिलीव ही नहीं करता कि किसी मुल्क से हमारी दुश्मनी हो। मैं मिलिट्री सॉल्यूशन में मानता ही नहीं हूं। मैं समझता हूं हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हिंदुस्तान से कोशिश की हमने ताल्लुकात अच्छे करने की, बदकिस्मती से वहां एक रेसिस्ट फैशिस्ट बीजेपी हुकूमत थी और वो उन्होंने फिर कश्मीर से जो 5 अगस्त 2019 में उनकी स्टेटहुड दूर खत्म की, तो हमें ताल्लुकात तोड़ने पड़े। लेकिन उससे पहले कोशिश की कि उनसे हम बातचीत से अपने मसले हल करें। तो अमेरिका तो मैं तो सबसे बेहतर जानता हूं अमेरिकनों को। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मैं उनका माइंड सेट जानता हूं। तो वो जो डोनाल्ड लू ने जब मैसेज दी कि जी धमकी दी कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो, तो वो तो एम्बेसडर को कह रहा था जो मेरे नीचे था। वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था, एक्शन शुरू हो गया उसके बाद। कनेक जिंकन थो जो इमरान खान कवान कट बाउंग आई जिंकरन या का कन्वेंशन ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट चौंकी नोंग सज आई खुबली शिबोन स्टोरी तला लंदन एडवा डेली पोस्ट।